सीजेपी के जो हेट हटाओ देश बचाओ जो हमारी मुहिम चली है उसके बारे में वी टॉक टुडे टू जिग्नेश बेवानी, आमदार है गुजरात से। जिग्नेश जी, ये नफरत की जो राजनीति चली है देश में, वो किस हद तक सही मुद्दे को अलग करती है, आपका क्या अनुभव है? ये गुजरात में 2002 के जो राइट्स हुए उस वक्त पे लोगों के साथ मारपीट, उनके खून, उनकी हत्याएं, उनको घर जलाना, डिस्प्लेस करना, मतलब मुस्लिम समुदाय पूर्ण रूप से जब जख्मी था, उनको मतलब उनके साथ इस हद तक की ज्यादती की थी कि वो दशक तक उसको भूल नहीं पाएंगे। उस वक्त पे घृणा की पॉलिटिक्स के चैंपियन हमारे नरेंद्र भाई ने उनके खिलाफ सिंपथाइज करने के बजाय, कोई कॉन्क्रीट फॉर्मूला लेकर आने के बजाय ये स्टेटमेंट दिया कि जो रिलीफ कैंप्स है वो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है। खतरनाक। तब से लेकर अब तक उनका पूरा राजनीतिक कारोबार इसी पर टिका है। हेट वो ईट है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति की पूरी इमारत को खड़ा किया है और हम सभी लोग उसका शिकार हैं। न हेट पॉलिटिक्स होता, न दादरी होता, न ऊना होता। मानव सभ्यता के इतिहास में इससे ज्यादा गंदे शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा हमारा क्लेम है। जब योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आरएसएस के एक आदमी ने यूपी के एक मंच पर से ये कहा कि मुस्लिम बहनों के शव निकाल कर उनके ऊपर बलात्कार करो, मतलब गंदगी भी शर्मा जाए, इस तक का ये ऑब्नॉक्सियस स्टेटमेंट है। और फिर गाय के नाम पर करीब करीब 40 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों को मार दिया। तो हर कीमत पर ये हेट पॉलिटिक्स तो ख़त्म ही होना चाहिए। और हेट पॉलिटिक्स के चलते आप जब समाज के किसी तबके को नफरत करने लगते हो तो सारी समस्याओं की जड़ आपको वही लगता है। फिर आप गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रफाल, 2 करोड़ रोजगार किसानों की आत्महत्या, ऊना की विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला, ये सब कुछ भूलकर सामने जिसके खिलाफ आपको उकसाया जा रहा है वही आपको सारी समस्या का जड़ लगता है, वही आपको आपका परम शत्रु दिखता है। तो फांसीवाद का अक्रॉस द वर्ल्ड ये फीचर रहा है कि एक कृत्रिम शत्रु खड़ा करो। अब जब किसी रियल कॉन्क्रीट मटेरियल इश्यू से, रोटी, कपड़ा, मकान के सवाल से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपको हेड पॉलिटिक्स करना ही है तो आपको एक शत्रु भी चाहिए। अब शत्रु के तौर पे पूरे देश में मुसलमानों को या पाकिस्तान को पेश किया जा रहा है, या दलित भाई बहनों को, या फिर दबे कुचले तबकों को, या फिर इन दबे कुचले तबकों के लिए जो बात करते हैं उन एक्टिविस्टों को, उनके खिलाफ भी हेट मॉन्गरिंग होता है। तो और पिछले 5 साल के दौरान, वाजपेयी के शासन के दौरान भी इतनी गंदगी नहीं थी, इतनी घृणा और नफरत नहीं थी जो इन 5 साल के दौरान हम लोगों ने देखी। तो सीजेपी ने क्या किया जिग्नेश भाई, मैं आपको बाद में दिया, ने एक हेट हटाओ ऐप शुरू किया। हेट हटाओ ऐप स्मार्टफोन पे फ्री में गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अभी तक बहुत खुशी की बात है कि हमारा 10,000 से ऊपर डाउनलोड हुआ है इस तरह का ऐप है। और मतलब हमारा ये कहना है कि साइन इन करने के बाद कोई भी सामान्य इंसान जो एक्टिविस्ट है, जैसे यहाँ पे हम हजारों देख रहे हैं कन्हैया के सपोर्ट में, आपके क्षेत्र में हो सकते हैं, उनको कुछ भी मिले, वीडियो मिले, छोटा सा आर्टिकल मिले, कुछ व्हाट्सएप मिले, तो वो हमें भेज अपलोड करके भेज दें, ठीक है? इस प्रकार की नफरत की बात हो रही है। हाँ, और उसको फिर इस प्रकार का नफरत रिलेटेड प्रोपेगेंडा हो रहा है तो उसके लिए हम आपसे सहयोग ये चाहते हैं कि इसका बस थोड़ा सा आप हमें आपके क्षेत्र में बढ़ाइए, ठीक है? डेफिनेटली। उसके बाद हम इस ये कंप्लेंट सीजेपी आगे ले जाता है, जैसे कि जी टीवी का कुछ प्रोग्राम गलत हुआ, उन्होंने बच्चों को बता के इतनी गलत कविता पढ़ाई जिसे कश्मीरियों से नफरत हुई, तो हमने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पे कंप्लेंट किया। 9 महीने चलने के बाद अभी जजमेंट अवेटेड है। फिर कभी हमने डीजीपी के सामने एफआईआर फाइल किया, तो कभी हमने प्रेस काउंसिल के सामने फाइल किया। तो हम चाहते हैं कि आम आदमी जनता भी को भी हेल्पलेसनेस, जो एक लगता है ना कि एक हेल्पलेसनेस हो जाती है कि जब नफरत पैदा की जाती है तो क्या करें, मैं क्या, तो हम चाहते हैं कि थ्रू दिस टूल हेट हटाओ, हमारी काफी बड़ी टीम है, तो ये हेट हटाओ ऐप आपको लगता है फायदा कर सकता है? बिल्कुल, निर्विवाद तौर पे मैं भी चाहूंगा कि इसकी लिंक व्हाट्सएप के हमारे सारे ग्रुप्स में शेयर की जाए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और जहाँ पर भी हमारे बेज है, फैंस है, समर्थक है, फेसबुक के पेजेस वगैरह पर भी लोग डालकर लोगों को अपील कर सकते हैं कि घृणा की राजनीति में जो लोग शरीक है, इन्वॉल्व है, उनको रिलेटेड कोई भी मटेरियल, चाहे वो पोस्टर हो, बैनर हो, पत्रिका हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, स्पीच हो, इस पर आप अपलोड करिए ताकि इनके खिलाफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को हम लोग लिख पाए कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये हम आपसे सहयोग चाहते हैं। आई एम ऑल फॉर इट। थैंक यू जिग्नेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।